हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कुछ एंट्रीज़ के लिए एग्जम्पशन को एक्सटेंड किया है, यानी कि एंट्री नंबर 19A और 19B के लिए, जो कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में दी गई हैं। यानी कि यदि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है एयरक्राफ्ट के द्वारा, तो उस केस में जो सर्विस दी जाती है कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया से टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तक, इसी प्रकार यदि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है वेसल से फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, फ्रेंड्स इस केस में एग्जम्पशन जो दी गई थी वो 30 सितंबर 2020 तक एप्लीकेबल थी। अब गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है और इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन नंबर 4/2020 सेंट्रल टैक्स रेट जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसके द्वारा के नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में जो एंट्री नंबर 19A और 19B में टाइम लिमिट दिया गया था वहाँ पे 2020 लिखा गया था, उसे अब एक्सटेंड करके 2021 कर दिया गया है। यानी कि अब यह एग्जम्पशन 30 सितंबर 2021 तक एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की एंट्री IGST एक्ट में दी गई थी, इसके लिए भी नोटिफिकेशन नंबर 4/2020 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया गया है, जहाँ पे कि एंट्री नंबर 20A/20B दी गई थी नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में, वहाँ पे भी टाइम लिमिट अब एक्सटेंड होकर 2021 हो गया है, यानी कि 30 सितंबर 2021। इसी प्रकार फ्रेंड्स, UT GST एक्ट के अंतर्गत भी नोटिफिकेशन नंबर 4/2020 जारी किया गया है, जहाँ पे कि एंट्री नंबर 19A और 19B में जो टाइम लिमिट दिया गया था उसे अब एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।